ये अब जो है एकदम एक्सट्रीम जो है नॉर्थ की तरफ, ईस्ट नॉर्थ की तरफ जो है ये सूरज चले गए हैं। और ये अभी मैं इसको टाइमली आपको जो है इसका वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन एकदम एक्सट्रीम जो है हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ये सूरज जो है उदय हो रहा है। ये पूरा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर डर भी लग रही है, कहीं गिरने का डर है। ये पूरा गांव और पूरा जो है कल की बारिश से जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी जो है, बहुत ही प्यारा जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर जो है एक वातावरण, बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ पर देख रहे हैं हम। बहुत ही मनोरम है। और थोड़ा मैं लेट जरा उठा था, इसलिए प्रॉपर्ली आपको जो है उतना बढ़िया व्यू जो है नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन जो भी है वो आपके सामने प्रस्तुत है। और ये देख रहे, देखो सूरज जो एक्सट्रीम जो है उसको है ईस्ट, ईस्ट उसमें सूरज एक्सट्रीम जो है ईस्ट उसमें देख रहे होंगे आप। और मैं आपको थोड़ा और व्यू गांव का अगर देखता हूँ, दिखा पाता हूँ कि नहीं दिखा पाता हूँ, एकदम जो है और भी मकान हमारे उस तरफ, ये व्यू उसके बाद दीवार लग जा रही है। और बहुत ही मनोरम दृश्य जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर क्वालिटी की धार तो बहुत ही गजब की लग रही है। और नीचे सैणे के मकान जो है बहुत ही जो है अच्छा जो है दृश्य हमको दिखाई दे रहा है। और ये फिर जो है इधर दीवार लग जा रही है एक्सट्रीम में। अभी ये मकान की रिपेयर चल रही है और रिपेयर, ये देखो ये व्यू मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये थोड़ा कैमरा मेरा ख़राब हो गया इसमें, ये अच्छा क्या व्यू नहीं आ रहा। और ये देखो पूरे मकान की रिपेयर पूरी चल रही है आजकल। ये दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, ये पत्थर की दीवारें जो यहाँ पे आप देख रहे थे, ये जो यहाँ पर अभी ये फ्रंट की जो दोनों तरफ की जो है, ये एक ये है, एक ये ईस्ट साइड का ये कोना है, ईस्ट साइड का कोना, एक जो है ये जो वेस्ट साइड का कोना जहाँ पे दरवाजा है, इनकी रिपेयर होनी अभी शेष है। बाकी जो है यहाँ पर मैं और खिड़कियाँ खोल रहा हूँ ताकि प्रकाश अंदर अच्छी तरह आ जाए और आपको मैं बहुत अच्छा जो हूँ अभी मैं प्रत्येक ये, तो ये यहाँ पर जो है रिपेयर का काम चल रहा है। और ये वाला जो एक रूम है इसकी भी दीवार बन चुकी है, ये पत्थर की दीवार बन चुकी पूरी नीचे तक जो है, भले ये नहीं जो है इसका डिसमेंटल की गई नीचे तक। ये होता कि भाई जो ये ऊपर वाली मंजिल है इसके दरवाजे की दहली तक जो है दीवार पर, इधर साइड में जो है, साइड में भी जो है 2.5 फीट और यहाँ बीच में भी जो है इधर इधर ये 2.5 फीट जो है, ये वाली दीवारें जो है पीछे की बीच की, इनको भी जो है 2.5 फीट तक जो है वो पूरी दीवार को निकाला जाएगा और नई दीवार फिर उसकी जगह चीनी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था, उनका कहना था कि भाई इसको ज़्यादा नीचे तक डिसमेंटल करना ठीक नहीं होगा। जहाँ तक इनका जो मिस्त्री थे उनका ये व्यू था। अब देखता हूँ मैं ये आपको यहाँ पे से दिखा रहा हूँ, ये जो है ये पूरा देखो जो ईस्ट साइड का मैंने आपको बताया था, ये ग्वालटी की धार जो है बड़ी प्यारी ये दिखाई दे रही, देख रहे हैं आप ग्वालटी की धार। और यहाँ पे फिर जो है ये बोला जा रही बहुत ही, ये देखो
ये मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका बहुत ही जो है, ये अब जो है ये इधर जो हूँ, यहाँ से मैं चलता हूँ इधर ईस्ट साइड से पूरब दिशा से, ये देखो इधर पूरब दिशा से। कभी देखो ये ठंडियों के टाइम में इधर जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं और इधर टावर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से सूरज जो है सूर्योदय होता था ठंडियों में, लेकिन अब क्योंकि सूरज जो है धीरे धीरे गर्मियों में जो है एकदम नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ की तरफ जो है एक्सट्रीम में चले जाता, अभी 22 जून तक वो एक्सट्रीम पॉइंट होगा। और ये अब मैं जो है ठीक जो है साउथ दिशा में आपको दिखा रहा हूँ, साउथ, ये दक्षिण दिशा में देखो आपको बूंग, उधर जाग की डाली दिखाई दे रही है, बूंग गांव दिखाई दे रहा है और चिंडालो गांव उतना स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके आगे जो है ये दरख्त, ये जो वहाँ पर हमारा ढोंड है तहल खाल वालों का, उसके आगे वो पेड़ आ गए इसलिए वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा। और इधर हम देख रहे हैं उधर देखो बूंग दिखाई दे रहा है, देखो वो उसके ऊपर वहाँ पर जो है दूर जो है वो टावर दिखाई दे रहा है BSNL का, और उसके वहाँ पर जो है बूंग गाँव है। और इधर जो है फिर थोड़ा थोड़ा हम ये पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो ये वो झूली और पयोसु गाँव वो दिखाई दे रहा है, झूली और पयोसु। फिर इधर हम जो है पश्चिम दिशा की ओर, जैसे मैं ये कैमरा घुमा रहा हूँ तो उधर जो है हमको सरकणा, सरकणा जो है वो गांव दिखाई दे रहा है सरकणा। और फिर उधर जो है बिल्कुल एकदम पश्चिम में जो है एकदम एक्सट्रीम पश्चिम में जो है उधर वो सड़क गई हुई है और उधर टंगरोली वगैरह कड़ाई खाल वगैरह वो हैं, भले वो अभी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा मैं विहंगम दृश्य, और यहाँ पर बाजार हमारा देखो नीचे, नीचे जो खड्डा है नीचे आप देख रहे होंगे बिल्कुल जो खड्डा है वहाँ पर जो है हमारा अगरोड़ा बाजार है, और ये तहलखाल वाले हैं, ये पूरा नीचे जो तहलखाल हमको दिखाई दे रहा है, लोगों ने वहाँ पर जो है ग्रीन हाउस भी बनाए हुए हैं, सब्जी उत्पादन करते हैं, बहुत ही जो है हमारे जो है समझदार और बच्चे हैं और बहुत अच्छे वो जो है यहाँ पर रोज़गार अपना कर रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा था, और अब मैं थोड़ा आपको और जो है ड्राइंग रूम के पश्चिम दिशा की ओर ले जाता हूँ। ये देखो यहाँ पे भी ये रिपेयर कर दी गई है बीच की दीवार के सामने ये, और इसका भी देखो पूरा जो है नीचे तक जो है ये जो है नीचे तक जो है दीवार को नहीं किया गया था, भले इस दीवार का ये था कि भाई इसको देखा जाएगा जितना भी इसमें मरम्मत करने योग्य होगा उसको मरम्मत किया जाएगा। और अब ये देखो पश्चिम दिशा की तरफ जो है ये फ्रंट की दीवार जो है अब ये जो है इनकी रिपेयर होगी जब ये नीमदरी बन जाएगी। और इधर मैं देख रहा हूँ देखो पूरा जो है ये उधर बूंग गाँव फिर दिखाई दे रहा है हमको, बूंग सॉरी झूली पयोसु, और फिर इधर जो है सरकणा, फिर कड़ाई खाल, और देखो ये जो है पश्चिम एकदम जो है पश्चिम छोर में एकदम एक्सट्रीम पश्चिम में देखो डांग गांव हमको दिखाई दे रहा है, डांग गांव, और ये ऊपर जो है ये मैल ख्वाल, यहाँ पे तिवरी दिखाई दे रही है, तिवरी में हमारे सबसे बड़े ताऊ जी उनकी तिवरी है और शायद उनकी कोई वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पे क्योंकि ये मकान हमारा टूट गया था, इसमें हमारे दूसरे नंबर के ताऊ जी थे उनका आगे की तरफ था, और वहाँ पर बीच में जो ये हमारा है और उसके वो अंतिम छोर में जो है वहाँ पर हमारे चाची का, और सबसे ऊपर जो हमारा ये जो ग्रीन हाउस दिखाई दे रहा है ये हमारे सबसे छोटे चाचा जी का है, उनके लड़के श्री वीरेंद्र सिंह बिस्ट ने जो है वो बनाए हैं। और उधर थोड़ा सा हिस्सा जो है ये जो उधर जहाँ पे छतरी दिखाई दे रही है हल्की सी, उधर हमारे चाचा जी सुबेदार मेजर श्री मदन सिंह बिस्ट जी का, स्वर्गीय मदन सिंह बिस्ट जी का है।
और ये हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा दृश्य मैंने आपको दिखा दिया, मनोरम दृश्य, क्योंकि रात को बारिश हुई है और ये डांग गांव जो है एकदम जो है वहाँ पर वो पड़ रही है, सूरज की रोशनी तो बहुत ही अधिक अच्छा चमक रहा है।